आज का क्लास 10th का मैथ सेकंड भाग का है। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 पर सॉल्व किए थे। भाई क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन हम लोग x^6 + 8^6, इसको देखिए लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर बाई रूट में एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर डी एक्स। अब माना लेट एक्स क्यू बराबर टी, इसका आकलन करेंगे तो 3x² डी एक्स बराबर डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बाई 3। क्या करें, समीकरण एक मान लें, दो मान लें, तीन मान लें, या इसलिए लिखें एक्स स्क्वायर डी एक्स पर डी टी बाई 3। तो देखिए 1/3 यहाँ कर दिए डी टी, यहाँ पर 1/√x³ की जगह आप लिख दें t² और प्लस a² a³ का स्क्वायर। अब ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस x² dx बराबर क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, अब प्लस अंडर x² प्लस a² अधन सी, यही आपका फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूले को इसको तोड़ा जाए, 1/3 लॉग क्या लिखेंगे टी प्लस अंडर t² प्लस a³ का स्क्वायर यानी 8^6 और प्लस सी, या 1/3 लॉग टी की जगह कर दें x³ और प्लस ये आपका हो जाएगा x^6 प्लस 8^6, ठीक है, और प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये था 7.4 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x / √tan²x^4, ठीक है। यहाँ माना लेफ्ट वही काम कर टैन एक्स बराबर टी कर रहे हैं, टैन अवकलन करें तो टैन का अवकलन हो जाएगा sec² x dx = dt। अब आइए sec² x dx आप लिख सकते हैं डी टी, और यहाँ पर 1/√t² प्लस 2² ले रहा है। ये फार्मूला बना गया, अभी जस्ट जो फार्मूला लिखा है वही फार्मूला है, 1/a² + x² या x² + a² का। तो फार्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट यही x² + a² या आपका t² + 4, ठीक, और ये प्लस सी हो जाएगा। अब लॉग ए जैसे टी, टी के जगह दे देंगे टैन एक्स, अधन रूट में tan²x^4 और प्लस सी हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, दिया है 1/√x² + 2x + 2dx। इस तरह के जो भी आपके समाकलन करना है तो इसको हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करते हैं और तब उसका समाकलन करते हैं फार्मूला लाकर। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x के गुणांक का आपका जो है 2 का आधा करेंगे, देखिए 2 का आधा,
आधा करेंगे तो वन हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग, जब वर्ग किया जाएगा एक का वर्ग एक हो जाएगा, यही जोड़ते हैं और यही इसमें घटाते हैं। तो देखिए रिजल्ट का रहा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस वन अधन टू डी एक्स हो जाएगा, एक जोड़ दिए घटा दिए लास्ट वाला लिख दिए, ठीक। इंटीग्रेशन आप वन अपान देखिए यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस टू में से वन जाए वन हो जाएगा, वन का भी स्क्वायर कर देंगे। अब यह फार्मूला में आ गया, ये फार्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वही फार्मूला हो लॉग ऑफ क्या लिखेंगे एक्स, एक्स प्लस वन हो जाएगा और प्लस अंडर रूट में आपका यही, तो यह इसका मान यही है, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ठीक है, अधन सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, वन अपान एक्स स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर सॉरी नाइन एक्स स्क्वायर प्लस आपका सिक्स एक्स प्लस फाइव, पुनः वही काम करेंगे हम, क्या करेंगे इसका, इसमें से पहला काम नौ से नौ कॉमन लेंगे, तो वन बाई नाइन कर दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस छ बटे नौ एक्स धन पाँच बटे नौ। पहले हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को फ्री करें, किसी गुणांक एक के अतिरिक्त कोई गुणांक रखना नहीं है एक्स स्क्वायर का। अब वहू का फॉलो करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो देखिए छ बटे नौ है इसका आधा करेंगे, ठीक, ये आपका हो जाएगा तीन और तीन आपका तीन बार में तो एक बटे तीन होगा, एक बटे तीन का वर्ग एक बटे नौ हो जाएगा, ठीक, एक बटे नौ जोड़ेंगे एक बटे नौ घटाएंगे, एक्स स्क्वायर धन छ बटे नौ एक्स धन एक बटे नौ धन माइनस करेंगे एक बटे नौ धन पाँच बटे नौ हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से याद तो कर सकते हैं क्या वन अपान देखिएगा एक्स प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर और पाँच में से एक जाए आपका चार हो जाएगा, चार कर सकते हैं दो बटे तीन है इसका होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला हो गया, ठीक, कौन सा फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स क्या होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए अधन सी, इसी फार्मूले का यूज कर रहा हूँ, तो देखिएगा वन बाई नाइन हो जाएगा इंटू और वन अपान ए, वन अपान ए का टू बाई थ्री है और टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपान थ्री अब आई टू बाई थ्री और प्लस सी हो जाएगा, ये थ्री अंश हो जाएगा, तो देखिए तीन बार में पड़ जाएगा वन बाई सिक्स हो जाएगा टेन इनवर्स ये आपका थ्री एक्स हो जाएगा प्लस वन बाई थ्री और थ्री से थ्री आपका पड़ जाएगा क्या होगा टू और प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन लॉग सेवन माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का डी एक्स, तो क्या करें इसको अंडर रूट में या माइनस एक्स माइनस कॉमन होगा, पहले इसको लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और माइनस सेवन डी एक्स, ठीक है, और क्या किया एक्स का गुणांक आपका छः है इसका आधा करें तो आपका तीन हो जाएगा, इसका वर्ग करें तो नौ जोड़ेंगे और यही घटाएंगे कितना हो जाएगा, देखिएगा इंटीग्रेशन आप वन अपॉन माइनस अंडर रूट माइनस आपका एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स और प्लस ये नौ जोड़ दें और नौ घटा दें और माइनस सात, अब इंटीग्रेशन आप वन अपॉन अंडर रूट इसको यहाँ से आप तो कर सकते हैं एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर और माइनस नौ सात सोलह हो जाएगा,
dx, इंटीग्रेशन आप अब इसको अंदर कर दें माइनस को, अंदर रूट ये हो जाएगा चार का वर्ग, ये माइनस और प्लस जाएगा और प्लस और माइनस x प्लस थ्री का वर्ग स्क्वायर dx। तो देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला आया है, इंटीग्रेशन आप देखिए, इंटीग्रेशन आप वन अपॉन अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही फार्मूला आप यूज करें इस पर। और क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका साइन इनवर्स देखिए एक्स एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर, ठीक ना, आधन सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्नावली के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।